सॉरी अंकल जी, सॉरी अब से नहीं करूंगा पक्का। अरे नहीं करूंगा यार। अरे आंटी जी मत जाओ ना मम्मी के पास। अरे मत जाओ यार, कह रहा हूँ नहीं, आगे से नहीं करवाएंगा यार। तेरी भैंस की मना कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा कि नहीं जाना मम्मी के पास। क्यों क्यों जा रही है तू तेरी ऐसी? उसको भी बोलता हूँ यार, इनको मैं मना कर रहा हूँ जब से। क्या है, तब एक बार सॉरी बोल दे कि नहीं करूंगा अब से कुत्ते को यहाँ नहीं लेके आऊंगा। अरे बस भूत, फिर उठ गया तेरी ऐसी। अब उठाना तेरी ऐसी कर दूंगा मैं यार, दिमाग खराब कर दिया मेरा स्टार्टिंग में ही। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप सब बड़े होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके। तो गाइस अभी आपने देखा मैंने एक औरत और इस आदमी को मारा, और इस घर को अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं, तू कौन भागी, तू तो नहीं जा रही मेरी मम्मी के पास, तेरी ऐसी कहाँ जा रही है? मेरी माता जी के पास मत चली जाइए, ओए ठीक है। तो गाइस अगर आप इस वाले घर को, अरे तेरी यार तुम्हें को बोलने नहीं देगी तेरी ऐसी, बोलने दे। हाँ तो गाइस अगर आप इस घर को पहचानते हैं तो मैं अपने कुत्ते को एक बार यहाँ पे ले आया था, और उसने इस घर के यहीं पे एंट्री पे हक दिया, तो इनको पता चल गया था कि हाँ मेरे कुत्ते ने हक दिया। तो भैया ये कह रहे तेरे घर पे चले जाएंगे, तेरे घर पे बता देंगे। यार अब मैं क्या ही करूँ, कैसे मनाऊँ उन्हें। तो फिर ये भैया, मैंने बहुत सॉरी सॉरी भी बोली, आराम से मैंने बात भी करी, पर ये माने ही नहीं यार। फिर तुम्हें पता मैं जिमी द सेंटा हूँ, माइकल जी का पुत्र, तो दिमाग खराब हो ही गया मेरा यार। फिर मैंने एक दो में इनको मार दिए, अब मेरे को यार डर सा लग रहा है, तो पक्का ये बताने वाले हैं यार, अब मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। चलो छोड़ो यार वो जो भी बात है। तो गाइस जी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं करा। और आज हम जाने वाले हैं फाइनली अपनी थार लेने के लिए, महिंद्रा थार, जो कि हमारी डील हुई थी फ्रैंकलिन अंकल के साथ। अगर हम गोल्डन महिंद्रा थार, जो गोल्ड कलर की पूरी महिंद्रा थार थी, वो चुरा लेंगे तो अंकल मेरे को एक महिंद्रा थार भी देंगे। तो अंकल का फोन आ चुका है कि जिमी जल्दी आ जा, अभी मैं अपने शोरूम में बैठा हूँ, नहीं तो फिर मेरे को जाना है ट्रंप अंकल जी के साथ। आपको पता है कल मैं ट्रंप अंकल को लेके आया और फ्रैंकलिन अंकल के घर पर छोड़ा है, क्योंकि वो काफ़ी खास दोस्त है यार एक दूसरे के। तो फटाफट चलते यार, और पहले घर से अपनी यार स्प्लेंडर उठाऊंगा यार, हायाबूसा उठा लूँ यार, स्प्लेंडर उठानी पड़ेगी, क्योंकि गाइस स्प्लेंडर के साथ जो स्टंट वगैरह हमने करे है ना, उसके बाद तू मेरी मम्मी के पास जा रही है, पता नहीं यार इतने लोग कहाँ से। रे 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 रे, तो भाई तुम कितने रहते हो घर में, शर्म शर्म नहीं है? अबे यार, तो ठीक है गाइस फटाफट घर चलते हैं और स्प्लेंडर उठाते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा यहाँ अच्छा ये चलता है घर के, तू नहाने जा। अरे मेरे को भी फेंक दे, मेरा फोन खराब हो गया ना तेरे चक्कर में। रुक मेरा, रुक तेरी भूतनी की, तू कहाँ जा रही है? देखो तो पानी में फेंक के आऊंगा, कहाँ भाग रही है? अच्छा कटरीना कैफ सी, ये ले जा तेरी ऐसी, अब से डोन बनी ना मैं तेरी ऐसी कर दूंगा। तो चलते हैं गाइस फटाफट, गीला और मैं कपड़े कपड़े चेंज कर लेता हूँ यार। चलो 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 यार गाइस, थोड़ा सा मैंने जूस चख लिया, अगर थोड़ा सा नहीं पीता ना माता जी मेरे को वैसी गालियाँ देती, और मेरे को मना भी कर दिया कि मत जा कहीं मत जा। अरे क्या हो रहा है बाहर, पता नहीं अरे क्या ही भूकंप आ गया, लोशन टोस में मेरे घर के पास मत आना यार, ऐसे ही घर की कच्ची दीवारें हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी दो प्यारी, नहीं तीन प्यारी यार, एक तो हायाबूसा जो हमारी खड़ी हुई है, जो भी हमने मॉडिफाई वगैरह करवाई थी, और आप सब बोल रहे थे कि शीशे वगैरह हटा भाई हटा हटा, तो इसके भी शीशे काफ़ी जल्दी हटाएंगे। और साथ ही साथ ये ज़ॉम्बी चॉपर वाली जो हमें कम से कम एक हफ्ते के लिए मिली गई है, जो कि हमने जीती थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ये बाइक जीती थी, तो वो जल्दी से जाके देखना गाइस। और ये रही हमारी स्प्लेंडर, जो कि स्टंट करते करते जिसमें हमें ज़ॉम्बी चॉपर मिली थी, उसी में स्टंट करते करते इसके अंदर पिंजर ढीले हो गए, तो आज इसको भी छोड़ के आते हैं अंकल जी के शोरूम में कि यार अंकल करा दो इसका भी जुगाड़ जुगुड़। और मैंने इसकी नंबर प्लेट चेंज करा दी, क्योंकि इसकी नंबर प्लेट आ चुकी थी, तो फटाफट चलते हैं यार। अरे भूतनी के तेरी ऐसी तैसी, तू नहीं छोड़ने वाला मैं, तू तो रुक जा, वो रही काली गाड़ी, वो भागी। ओए प्लेन कहाँ से आ गया? ओ माय गॉड प्लेन क्रैश हो गया गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे, पर मेरे को प्लेन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को इस गाड़ी वाले से मतलब। अरे यार अब मैं अटक गया, पैर अटक गया, मैं भूतनी के, रुक रुक रुक, कटरीना कैफ तो मैं बनाता हूँ ना तेरे को, चल बाहर चल, इधर आ। हैं तेरी ऐसी तैसी दिख नहीं रहा, उधर से गाड़ी आ गई, नहीं कटरीना कैफ बनूंगी, करवाऊ तेरे से कट, करवाई ही कट। और ये क्या हो गया गाइस, भैंस की, ये तो शुक्र करो मेरा घर बच गया। एक बार ड्रोन उड़ा के देखें, ओ भाई गाइस आप देख सकते हो एक प्लेन यहाँ पे क्रैश हो चुका है मेरे घर के बाहर। ओ भाई ये प्लेन क्रैश यार, मेरा घर बच गया भाई, मेरा घर तो इस साइड था, अगर मेरे घर की चोंच उड़ा लेता तो अच्छा, वो आवाज़ इसी चीज की आई थी, भागो यार यहाँ पुलिस वगैरह भी आएगी, और वैसे ही मैंने लूट लिया। अबे यार क्या है तुम्हारी, रुक जाओ अब मेरे को अपना सामान निकाल लूँ क्या, रुक, मतलब मैं चाहता नहीं दंगे दंगे करने यार, चाकू ही पड़ा है, चाकू से तेरी भूतनी करो, भारा भारा, अरे इसको क्यों मार रहा हूँ मैं, भूतनी के तू भारा
दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, ऐसी पुलिस आने वाली है, उससे पहले मैं निकल लूँ यार। ये प्लेन प्लेन क्रैश हो गया पर फटा फुटा नहीं गई, क्या हो गया इनको समझ ही नहीं आया। भाई भाई साहब देख सकते हो कितना गंदा सीन हो गया है, और साथ ही साथ ये लोग इतने पागल है। अभी मैं ठुक जाता उसकी गाड़ी को बचाने के चक्कर में, मैं दीवार में ठुक गया। ओहो धूप में निकलना ना करो, रूप की रात सुट्टे लगा लो तुम। आंटी जी एक बात बताऊँ, धूप में ना जॉगिंग नहीं करा करते, काले हो जाओगे। ठीक है कह रहा हूँ मैं, काले हो जाओगे, भाग लो यहाँ से, भागो भागो भागो। हाँ ये हुई ना बात है, मेरी बात मानते हैं गाइस सब, ऐसी बात नहीं, मेरी बात नहीं मानते यार, तुम भी मान लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा ना करो यार, ओ छेती छेती कर दो। इसी बात पे मैं तुम्हें एक स्टंट दिखाऊँ, देखो स्टंट देख रहे हो, सही में यार फुद्दू गिरी तो बहुत होने लगी है मेरे साथ गाइज। कोई नहीं अब फटाफट एक और बात बताओ तुम्हें, राज की बात, जो हमारी आंटी है जिनके दो बालक हैं, आप समझ जाओ मैं कौन सी आंटी की बात कर रहा हूँ, उनके दो नन्हे नन्हे से बालक हैं, वो शहर में आने वाली हैं। चलो मैं बता देता हूँ, सारा आंटी जल्दी ही शहर में आने वाली है गाइज, सुनने में तो मेरे को आया है, बाकी देखते हैं। वैसे अंकल जी से तो बात बात करते नहीं, वैसे थोड़ा बहुत घूमने फिरने आ रही हैं, तो दोबारा आंटी को लेने जाएंगे और उनके बच्चों के साथ भी मजे करेंगे। और मेरी बाइक को कहा, अरे ओ ट्रक वाले यार मेरे से क्या पंगे, मैंने कुछ करा है कि तेरा, रुकियो एक मिनट रुक मेरी बात सुन, मैं आराम से साइड में खड़ा था, तेरा कुछ करा था, बाहर आ, रुक जा, तेरे ट्रक में बैठ के जाऊंगा मैं, अब कर ले तो क्या कर लेगा। हाँ क्या कर लेगा, हाँ क्या बता, भूतनी का तो तू सही में लेके जा रहा मुझे, पागल है क्या भाई, बावड़ा हो गया तू, जा अंकल जी कुछ नहीं, मेरे को वैसे भी सर्विस करवानी है यार अपनी बाइक की, तो यार फटाफट चलना ही पड़ेगा। थार गाइस आज फाइनली थार आई जाएगी अपन के पास, अब थार में भी गेड़ी घोड़ी मारूंगा, थार में भी गेड़ी घोड़ी मारूंगा, मजा भी हमको बहुत आएगा। ओ ये ओ भाई भाई गाइस तुम्हें वो बताया ना मैंने, जब किस्मत होवे फुद्दू बिरकी करेगा बोन बिठेगा दूध, वही हो रहा है मेरे साथ यार। अब फटाफट बिल्कुल आराम से ले जा ही जाता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चलाऊंगा मैं। हाँ ये अच्छी बात है, ब्रेक लगा के चलाया करो यार, तुम ऐसे गंदी गाड़ियाँ चलाते हो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओ तो अंकल जी ने, अंकल ने बोला कि तेरी गाड़ी मैं स्पेशल खड़ी करवा रखी है यार, अच्छी बात है ना गाइस। चोर का झटका हाई चोर से लगा, हाँ लगा गाइस। हमारी जो स्प्लेंडर है ना इसका काफी गंदा सीन हो चुका है। ओ नैनो यार ये नैनो ना, मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी नैनो लेके ना इतनी तगड़ी मॉडिफाई करूँ ना, क्या ही मजा आएगा, क्योंकि नैनो जो मॉडिफिकेशन हो गया ना गाइस, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, चलो आगे भी चल लेते हैं, कोई सीन नहीं है क्योंकि आगे की भी जगह है। ओ ब्रेक लग जा। तो गाइस हम फाइनली थोड़ी देर में, बस हल्की सी थोड़ी सी देर में हम पहुँच जाएंगे। वैसे मैं वाला रास्ता लेता तो सही था, कोई नहीं यार ये वाला रास्ता भी ठीक ही है। ओके ओके यार रॉन्ग वे क्यों जा रहा हूँ मैं, रॉन्ग वे क्यों जा रहा हूँ मैं, एक बार यार मैं राइट वे चले जाऊँ पहले। ओके अब ठीक है ना, आप मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे ठोकेगा भी तो भाई मैं केस कर दूँगा क्योंकि मैं सही जगह था यार। यो ये तो भाई ये रहा शोरूम यार, यहाँ फटाफट चलते हैं। ओके ओके ये तो अपनी बाइक तो मैं यहीं खड़ी कर दूँगा पीछे की साइड, तो यहाँ खड़ी कर देगा। अरे तेरी भूतनी को मैं तो भूल गया था, इसका स्टैंड ही खराब है। अरे यार चलो कोई नहीं, उन्हें बोल दो यार ये ठीक कर देना। आज फिर कितने चलेंगे मोरनी बनके, मोरनी बनके। अरे अरे रे तो गाइस यहाँ से हमें जाना है, अच्छा यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से हमें जाना है, ये खुला क्यों है, चलो कोई नहीं। अबे ओ छोटे भीम किधर चली सवारी, रुक जा कहाँ भागे जा रहे हो बताओ कौन हो। अबे अंकल जी अपने उन अंकल से पूछ लेना जिसका ये शोरूम है, वो बता देगा मैं कौन हूँ। ठीक है रोकने का आगे से मत कोशिश मत कर लेना। तो गाइस ये देखना ये हमें बॉडीगार्ड रोकेंगे यहाँ पे आने के लिए, नहीं ये नहीं पता मेरे अंकल जी कहीं है यार ये। ओह ओह ये खड़ी है थार ओ भैंस की। ओ भाई क्या इंतजाम कराया अंकल ने, जिमी भी लिखवा दिया इसने, क्या बात है यार, मजा आएगा। फोटो फोटो ले रहे हैं लोग और बाकी और गाड़ियां भी खड़ी हुई है यहाँ पे। एक बार मैं आंटी जी से पूछ लेता हूँ। आंटी जी अभी वही बच्चे आंटी किसको बोल रहा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ दिख नहीं रहा। अच्छा आंटी ने बोलूँ तो दीदी जी। अबे वो घोचू दीदी किसको बोल रहा है बे तू? अबे तुमको ही तो बोल रहा हूँ। अबे रिसेप्शन वाली हूँ मैं, मैडम बोल मुझे। अच्छा मैडम जी वेयर इज फ्रैंकलिन अंकल जी प्लीज टेल मी। ओ फ्रैंकलिन सर वो अपने केबिन में बैठे हैं। ओके 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 वैसे सर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? अबे मैं उनका दोस्त हूँ, बस दोस्त उनके जो मित्र है ना उनके बेटा हूँ। मटिया आगे से रोक मत लियो, यहीं टिंडी फोड़ दो तेरी, नौकरी खा जाऊंगा ये मुझे रोकेंगे चुन्नू मुन्नू से। चलो कोई नहीं गाइस अपन निकलते यार, ये ऐसे तो दिमाग खराब करने वाले मिल ही जाते मुझे। भैंस की पिछली बार भी तुम्हें ठोका था, रुक जाओ तुम्हारी सही, मैं अभी अंकल जी शिकायत लगा दूँ। चलो छोड़ो पिछली बार इनकी पिटाई कर दी थी मैंने जब मैं हायाबूसा लेने आया था, अब अपना काम करते हैं यार फटाफट। ओह ओह
अंकल जी का कैबिन गाइस यहां पे है। ओके, अरे 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 भैंस की खाल से खुदेगा, खुल। क्या कर दिया मैंने? आजा हरामी आजा, यही तो कमी रहेगी थी, तोड़ दे पूरा ऑफिस ही, तोड़ दे ना मेरा हरामी, कहीं के तू नहीं सुधरेगा। अरे अंकल जी गलती से हो गया ना, सॉरी 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 सॉरी। अरे अंकल जी मेरी बात सुनो अब, जल्दी दो यार, फिर मैं लेट हो रहा हूँ। अरे रुको जरा, सबर करो, तेरा इंतजाम करा रखा मैंने, नीचे गाड़ी खड़ी करवा रखी, देखी नहीं? हाँ मैंने देखी, नीचे खड़ी है मेरी गाड़ी, वो देखा पूरी नेम प्लेट वगैरह कति काची करा रखी। तू चल बेटा मैं आ रहा हूँ नीचे, बाकी सब काम कुम करवा दूँ, तू चल ठीक है? आया मैं बस, भागे भागे आया, रुक जा तू। आजो 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 यार गाइस, फाइनली हमारा सारा काम हो गया अंकल जी का, मैंने कांच भी तोड़ दिया, तो फटाफट नीचे चलते हैं यार, चलते हैं चलते हैं, अंकल जी आ ही रहे हैं। ओहो इश्क तेरा तड़पावे टूनो 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 टूनो। ये ले चाबी वगैरह, बाकी खुश रह अब तू। चलो ठीक है अंकल जी, फिर निकलूं मैं। और ट्रंप अंकल जी कहां हैं? अरे ट्रंप अंकल जी तो घर पे हैं, तू निकल, कोई चक्कर नहीं है यार उन्हीं के, मैं तेरे चक्कर में आया हूँ आज, मेरे को ऑफिस भी नहीं आता, तेरी गाड़ी के चक्कर में आया हूँ, तू भूतनी के, आराम से जाइयो। अरे अरे मेरे चक्कर में शोरूम में आए थे, थैंक यू अंकल जी, और आपने सही करा यार, इनको बता दिया मैं कौन हूँ, नहीं तो ये नीचे खड़ी थी जिनके नाक में से गुब्बारे से निकलते रहते, मेरे को बोल दी तू क्यों मिलना है, और बाहर जो है ना वो खरबूजा सा वो भी मेरे को रोक रहा था। चलो मैं निकलता हूँ, और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ शाम को अगर मैं हो पाया तो, ठीक है? और ट्रंप अंकल जी को मेरा हेलो बोल देना, ठीक है? बाय बाय। ओके भाई, आराम से चलाइयो भूतनी के, कह रहा हूँ मैं। अरे हाँ आराम से चलाऊंगा। तो गाइस फाइनली निकलते हैं हम। ओ ये अरे भैंस की साइड बैठना होता, मैं भूल जाता हूँ यार, इंडियन गाड़ी है और इसकी नंबर प्लेट चेंज होगी, वैसे तो बस अभी ऐसी ही करवा रखी है। ओके तो गाइस अंकल ने बोला निकलवा दूँ, तो मैंने कह दिया अंकल जी प्रो हूँ मैं। अरे अरे बिल्कुल प्यार से चलानी पड़ेगी, कभी मेरा प्रो पर निकल ना जाए। ओ ये गाइस आप देख सकते हो महिंद्रा थार आ गई है अपनी, और इसका मॉडिफिकेशन वो भी अंकल ही कराएंगे, हल्का फुल्का जो भी करवाऊंगा मैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगी गाइस मॉडिफिकेशन इसकी, क्योंकि सब कुछ भाई बिल्कुल परफेक्ट है, खुलवाना भी नहीं चाहता यार। ओके ओके ओके, तो गाइस आप देख सकते हो ये हमने अपनी महिंद्रा थार निकाल ली है बाहर, और हल्की फुल्की गेड़ी गुड़ी मार रहे हैं रोडों पे, क्या बोलते हो गाइस? चाक दे फटे। अंकल ने तेल तूल भी पूरा अच्छा खासा भर के दिया मुझे, तो ठीक है गाइस निकलते हैं यार अपन तो। ओके एक बार इंटीरियर देखो गाइस इसका, क्या प्यारा है यार, और गाड़ी क्या लुक दे रही है, मैं यार रेड कलर विच मैनू बड़ी सोहनी लग रही है गड्डी की, तो आपको कैसी लग रही है गाइस कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को तो काफी बेहतरीन लग रही है गाड़ी, और भाग भी सही रही है यार 150 से ऊपर भाई, आप देख सकते हो अभी तो हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन भी करवा दूंगा इंजन उंजन की, फिर तो ये दौड़ेगी दौड़ेगी रोकड़ की तरह, टूर अभी तो बिल्कुल स्टॉक है ये, और भाई काफी प्यारी है, अगर तुम चाहते हो गाइस मैं इसकी ऑफ रोडिंग भी करूँ तो कमेंट करके जरूर बताना, यार भाग तो काफी बढ़िया रही है मेरी गड्डी। ओहो और आप चाहते हो गाइस मैं यार ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक ब्लैक की ऊपर की छत है ना यार, ये हटवा दो जब मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, अगर गाइस आपको लगता है कि हाँ हमें ये छत भी हटवानी चाहिए तो वो भी बताना, मैं बिल्कुल हटवाऊंगा यार, मेरे को भी इतनी अच्छी सी नहीं लग रही छत, बाकी थोड़े दिन स्टॉक घुमा लेंगे और फिर छत छुत भी हटवा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है सानू जी, पूरे मजे लेके चक दे फटे नाप दे किल्ली वाला काम कर रहे हैं ऐसी, और मैं यार बड़ी प्यारी लग रही है मैनू मेरी थार, यार सही में गाइस वो काफी प्यारी लग रही है मेरी थार, भाई कितनी सही चल रही है, बाकी इसकी इंजन की स्पीड खुलवा दूंगा मैं, अभी तो ये स्टॉक पे चल रही है। ओ यार ओ मैं क्या यार उतरी लाबे हो गया काम यार, अबे यार काम हो गया काम हो गया काम हो गया इसका, इसके अरे तेरी भैंस की, रुक आजा बाहर आजा, बना तो तेरे को साला दिख नहीं रहा मैं, एक बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ इधर आ, है भूतनी के हरामी दिमाग खराब कर रहा है आज, अल्लाह अभी भी लड़ना है तेरे को, मेरा दिमाग खराब ऐसे हो रखा है, आ गया सुअर से लड़ने, मेरी गाड़ी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ यार, मैं एक बार गाड़ी का नुकसान देख लेता हूँ गाइस, अबे यार ये तो हल्का सा गाइस इसका एक कलर कुलर सा हो गया, थोड़ी सी दिक्कत, बाकी कुछ मेन दिक्कत तो नहीं हुई है यार, ये हल्का सा देखो बाहर सा आ गया, कोई नहीं इसे तो मैं सेट करवा दूंगा गाइस, जितनी भी दिक्कत होगी यहाँ के नट नुट निकल के थोड़ा सा बाहर से बाहर को हो गया, अबे यार मैं निकला कैसे मुझे तो कुछ समझ से ही नहीं आया क्या सीन हुआ यार मेरे साथ, चलो कोई नहीं गाइस अब मेरे को लगता मेरे को ज़्यादा चलानी चाहिए हाईवे पे, मैं क्या हुआ मेरे नाल की सीन हो गया, मैं नई गड्डी लेती है और ऐसा काम होने लग गया गाइस मेरे साथ, कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं, जब किस्मत हो फुद्दू फिर की करेगा बोन बेटे दा दूध, अब यार पीछे ले लूँ या तेल तूल करवा ही लेता यार थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास इतना बार बार नहीं कराना चाहिए, वैसे अंकल टंकी ऑलमोस्ट फुली करना के रखी है पर यार मैं चाहता हूँ पूरी फुल कर दूँ यार, तो थोड़ा सा यार रेस्ट वेस्ट करूँ, मेरी सांसें बहुत तेज हो गई हैं यार, यहाँ पे ना आराम से पहले तेल को छोड़ो,
हाँ चलो तेल भरवा ही लूंगा, इस नैनो के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। चलो अपनी तेल भरवाएंगे गाइस और जूस वगैरह पी लूं। तो होप करता हूं गाइस आपको इस वीडियो में मजा आया, अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज हमने फाइनली अपनी थार ले लिया जो कि अंकल जी ने हमसे प्रॉमिस करा था कि गोल्ड कार चोरी हो गई, मतलब गोल्ड महिंद्रा थार जो भी थी वो हम चोरी कर लेंगे तो वो मुझे थार भी गिफ्ट करेंगे। तो हायाबुसा उन्होंने दे दी मेरे को थार, उन्होंने दे दी और क्या चाहिए। तो फाइनली थार आ चुकी है और थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हो गया तो मॉडिफिकेशन होगी जब गाड़ी बिल्कुल ठीक करा ही देंगे हम। और बाकी मैं आपको गाड़ी के बारे में बता दूंगा क्या क्या सीन होने वाला है। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही अगली ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा चंगा अगली गेड़ी।